चलिए आज हम आप लोगों को कौवा की कहानी सुनाएंगे। जो कौवा है वो धूप में बहुत दूर से चल के आया है और कौवे को बहुत तेज प्यास लगी है और वो चारों तरफ देख रहा है तो उसको एक घड़े में थोड़ा सा पानी दिखा है। तो जो नीचे पानी है उसको ऊपर लाने के लिए कौवा क्या करता है, चलिए हम बताते हैं। एक कौवा प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था, एक कौवा प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था, कौवे ने डाला कंकड़। सबको डालिए, एक एक कंकड़ उठा के डालिए और देखिए तो क्या हो रहा है, पानी ऊपर आ रहा है। हाँ, यानी कि जो पत्थर है वो नीचे बैठ जा रहा है और पानी ऊपर आ रहा है। ठीक, कौवे ने डाला कंकड़, पानी आया ऊपर, फिर कौवा क्या करता है, पानी पीता है। पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। हाँ, उसके बाद से कौवा जब पानी पी लेता है तो उसका पेट भर जाता है और वो उड़ जाता है। इसीलिए सुनिए क्या करना चाहिए, सब बच्चों को अपने अपने छत पे ऐसे ही अगर मिट्टी का कोई बर्तन हो छत पे या दरवाजे पे थोड़ा थोड़ा पानी करके रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए, ताकि कोई भी जानवर को अगर प्यास लगे तो वो पानी पी ले, प्यासा ना रहे। ठीक, सब कोई ऐसे करोगे, है ना, जानवरों को सब कोई पानी पिलाएगा। ऐसे ही बर्तन होगा मिट्टी का या प्लास्टिक का तो उसको क्या करना है, उसको अच्छे से धो के पानी भर के और अपने छत पे रख देना है। ठीक, तो बताइए आज हम लोगों ने क्या सीखा, कि जानवरों का मदद करना चाहिए। ठीक, चलिए ताली बजाइए।